Did I go? जल्दी कर जल्दी बड़ा लेट हो गया है। आज बनेगा जिम का ब्लॉग। क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा अपना सानी साहब और स्वागत आप सबका साइन ब्लॉग्स पे। तो आज का सीन ऐसा है कि काफ़ी टाइम से दोस्त वगैरह बोल रहे थे यार कि जिम का ब्लॉग करो, जिम का ब्लॉग करो। तो आज सोचा कि आज बना ही लेते हैं, क्योंकि एक तो बाइसेप्स की गेम, और आपको पता ही है कि लड़कों को क्रेज़ कितना रहता है डोले शोले बनाने का। मौसम भी बड़ा अच्छा है, और मेरे साथ है मेरे ताऊ का लड़का राघव भाई, एक कज़न, और मौसम और ऊपर से एकदम फैंटास्टिक भाई है। देखो आज तो मज़ा आने वाला गेम करने का, देखते हैं बाकी जिम में क्या रश है, क्या सीन बनता है। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता है रीच गिर रही है चैनल की। मैं भी इनएक्टिव हूँ, थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, तो इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस रहता है ठीक है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करने का, बट स्टिल थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ, जल्दी करेंगे उस चीज़ को भी पूरा। तो चलते हैं हम जिम पहुँच के फिर करते हैं। ये हमारे कोली साहब भाई साहब, कोहली साहब बड़े कमज़ोर हो गए हैं यार। कोहली साहब को कह रहे हैं कि आप जिम शिम ज्वाइन करो, क्योंकि हमने रील देखी होगी चोपड़ा साहब को ट्रेन यही करा रहे हैं हमारे बॉडी बिल्डर दोस्तों जी। हम जय शंकर जी खजूरिया साहब, खजूरिया साहब हमारा रखते हैं ध्यान, क्योंकि पनीर शनीर दूध दही सब यही देते हैं हमें लोग। खजूरिया साहब जय शंकर हमारे, ठीक है, 1.5 किलो दही, बाकी आगे मिलते हैं आप। तो लो दोस्तों ये हमारी जिम, यूनिक जिम, और ये है एंट्री। भाई महावीर जी बैठे हैं, आशीर्वाद लेंगे और चलते। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt. ये हमारे राजू भैया, चल चिनअप पहले मेरे से बचते थे एक या दो, बट डू वन थिंग, मैं कहूँगा चिनअप जरूर मारना रोज़, क्योंकि चिनअप रोज मारोगे उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी से आप लोग ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। वो लोग कहते हैं बाइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब रोज़ उन्होंने ना रोज़ बाइसेप्स करनी ही करनी, ऐसा मत किया करो यार। सिर्फ बाइसेप्स नहीं, बाकी भी तुम्हारे मसल्स हैं, चेस्ट हो गए, शोल्डर्स हो गए, हाँ वार्म अप सबका किया करो, नो डाउट मसल सब होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि रोज़ आए तो रोज़ लगे हुए हैं। और जो बिगिनर्स क्या करते हैं, हम भी मतलब स्टार्टिंग करते थे
कि जब आए और मतलब बाइसेप पे वेट ज़्यादा मारना है, रैप उनसे बचती नहीं है, हार्डली 3 से 4 बजेगी, बट उनको वेट ज़्यादा चाहिए। वेट ज़्यादा से मसल कभी नहीं बनेगा, ऐसा मत करना कि तुम लोग बोलोगे नहीं हम वेट ज़्यादा मारेंगे मसल बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप वेट वो तोड़ोगे नहीं, आपके हाई रेप्स नहीं बजेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तब तक मसल कभी ग्रो नहीं करना, जो मर्जी कर लो। और बाइसेप्स को छोड़ गए, ट्राइसेप्स भी बनाओ, शोल्डर चेस्ट भी बनाओ, ठीक है नहीं। अब जाकर देखो सिर्फ बाइसेप्स बनाने पर लगा हुआ है, वो कह रहा 18 इंच करके जाना। अच्छा देखो करते हैं फिर गेम आगे, फिर आपको कोच सर से भी मिलाएंगे और देखते हैं कि वो क्या टिप्स देते हैं। दोस्तों ये जो मैंने पिज़्ज़ा दिखाया आपको अभी, इसलिए दिखाया क्योंकि यार एक पार्टनर ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे जिम में। उसमें क्या होता है कि तुम्हें सपोर्ट मिलती है जब तुम हैवी वेट मारते हो, और इंजरी होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि देख कल कुछ ऐसे हैवी वेट है, कल को वेट शिफ्ट कर गए या कुछ भी हो गया तो पार्टनर तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए भाई हमने भाई को लाया अपने कि वेट अच्छा बचता है, जिम अच्छी हो पाती है, तुम्हें मोटिवेशन मिलती है। जब तुम थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हो ना कि जब वेट ही बचा तो पार्टनर तुम्हें कुछ भी आवाज़ है कि बोला चल चल खींच खींच, कुछ भी जो वर्ड्स बोलते हो तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है और तुम वेट लिफ्ट कर पाते हो। हाँ हाँ चल बढ़िया चल चल दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस जिम में मतलब मैं आता हूँ यहाँ पर रॉ बेटा, रॉ मतलब कि लोहे की प्लेट्स हैं, और ये जिम 25 to 30 years पुराना है, और जो लोहे का वेट मारने का फील आता ना, मैं आपको अभी थोड़ी सी प्लेट की आवाज़ सुनाता हूँ मार के, जब आवाज़ वो कानों में बजती है ना तो अपने से अंदर से कहते हैं ना अंदर से मोटिवेशन आती है, मतलब मोटिवेट होता है हैवी वेट मार रहे हो। तो मैं आपको हल्का सा एक झलक दिखाता हूँ, जैसे प्लेट की आवाज़ जब 10 मिनट की आवाज़ आती है ना, हल्की सी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। Exaggerated, that's what you assume. ये देखो भाई बाकी का भाई, सब देखो भाई जो लौंडा छाया हुआ है, ये लौंडा छा गया है, साला कुत्तों भी मारेगा मारेगा वेट, और मेरे को भी बोलेगा हैवी वेट मार भाई, नहीं बचा जाता। उन दोनों सुना कितना फर्क है, देखो ये देखो ये और ये कहाँ पर वेट तो सीधा से बचेगा ना। बाइसेप्स की गेम होगी ओवर, अब थोड़ा सा लास्ट का एक क्या बोलते हैं उसको वार्म अप राउंड करके चलते हैं। भाई रकम अच्छा हुआ आज, रकम की फट रही भाई गंदी वाली। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अपने कोच सर से और जो जिम के ऑनर हैं, वो खास करके जो आजकल का यूथ है ना, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स और सजेशंस देंगे। पहले बात तो गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, हेलो प्रदीप जी। सर आपसे एक चीज़, आज मैं जिम का व्लॉग कर रहा हूँ तो उसमें सबसे मेन चीज़ रहती है जो बिगिनर्स आते हैं,
बिगिनर्स के लिए क्या टिप्स और क्या सजेशंस देंगे आपके हिसाब से? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बच्चे जो बिल्कुल नए पहली बार जिम में आते हैं, उनको चाहिए कि वो हार्ड प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर रखें, नेचुरल डाइट रखें, घर का खूब डट के खाना खाएं और यहाँ पे मेहनत करें, सप्लीमेंट के ऊपर बिल्कुल ना जाएं अभी शुरू में, अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा करें। आप अपने दूध दही अंडे से अपना प्रोटीन जो है पूरा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इतना हार्ड प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे कि आपका मसल इतना मैच्योर नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत हो। जब भी आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, एक पार्टनर ज़रूर रखें, जिम में एंटर होने से पहले एक स्पोर्टर ज़रूर पहन के आएँ, अपनी बेल्ट रखें, अपना जिम बैग रखें, अपनी पानी की बोतल रखें, ठीक है जी। हाँ, वैसे भी समर्स हैं, ओवर हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है सर। जो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ, मैं पिछले 25-6 ईयर से इस हेल्थ इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ यहाँ पे, और मैंने सर्टिफिकेशन की है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन के कोर्सेज किए हैं, और जो नॉलेज इकट्ठी की है वही हम बच्चों को बताते हैं कि आप अपने बेसिक तरीके को के हिसाब से अपनी डाइट ठीक रखें और अपने आप को पुश करें, मेहनत करें। आप बिना मेहनत के शॉर्टकट का कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपकी बॉडी ख़राब होने वाली है लेटर ऑन स्टेज पे। तो अपने आप को एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के हिसाब से आप अपनी रूटीन रखें, अच्छे कोचिज के साथ संपर्क रखें, अच्छे लड़कों के साथ संपर्क रखें जो कि आपको सप्लीमेंट एकदम से देना चाहेंगे, जो आपको मेडिसिन देना चाहेंगे, उनसे आप दूर रहिएगा।